नागिन 6 में जब प्रथा के अतीत का ट्रैक आया था और उसके शेष नागिन बनने के राज का खुलासा हुआ था, तो हर किसी को वो ट्रैक काफी सरप्राइजिंग लगा था। वहीं अब नागिन 6 के सेट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख ऐसा इशारा मिला है कि एक बार फिर से प्रथा के अतीत का कुछ ऐसा महाखुलासा होने वाला है जिसके तार इस बार शायद अमृत कलश से जुड़े होंगे। यह सबसे पहले आपको सेट से सामने आई वो BTS तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जरा इस यंग एक्ट्रेस को जो नागिन 6 के सेट पर सेल्फी लेते नजर आ रही है। आपको याद हो तो इसी यंग एक्ट्रेस ने कई बार प्रथा के अतीत में उनका किरदार निभाया है। वहीं इस तस्वीर पर लिखा है थ्रोबैक शूटिंग स्टार्टेड फॉर नागिन 6। साफ है कि एक बार फिर से शो में प्रथा का अतीत वाला ट्रैक नजर आएगा और इसी ट्रैक में हो सकता है कि अमृत कलश को लेकर कुछ ऐसा अनजाना राज खुले जो प्रथा से भी जुड़ा हो। सेट से सामने आई सिर्फ ये तस्वीर ही नहीं बल्कि एक पूजा का वीडियो भी सामने आया है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि शूट से पहले किस तरह से सेट पर पूजा की जा रही है। भगवान श्री गणेश की आराधना के साथ दिन की शुरुआत की जा रही है। पूजा में नारियल भी रखा नजर आ रहा है और रोज की तरह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर हो रही है। इस वीडियो और प्रथा के अतीत वाली इस तस्वीर को देख साफ है कि शो के अपकमिंग ट्रैक में कुछ बड़ा और धमाकेदार होने वाला है। बात की जाए नागिन 6 की तो शो में इन दिनों जंग अमृत को लेकर छिड़ी है। सीमा और प्रथा अमृत कलश को पाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अमृत कलश कहाँ है और उस तक कैसे पहुंचा जाएगा इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ऋषभ की असली माँ चंदा ही जानती है। वही प्रथा से अमृत को छीनने के लिए सीमा के साथ साथ नेवला भी पीछे पड़ा है और हर हाल में प्रथा की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि अब देखना तो ये है कि आखिर प्रथा कैसे अमृत कलश को हासिल करेगी और आखिर इस बार अतीत के पन्नों से ऐसा कौन सा राज खुलेगा जो कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। क्या ये राज प्रथा के साथ साथ उसकी नानी माँ से भी जुड़ा होगा, क्योंकि अतीत में प्रथा की नानी माँ ही शेष नागिन थी, या फिर इस बार भी कुछ होने वाला है ऐसा जो किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। आपको क्या लगता है, शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में।